नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोनटेक। दोस्तों आज मैं आपको SWR PVC पाइप से ड्रेनेज पाइप की फिटिंग और सीवर पाइपलाइन की फिटिंग करना सिखाऊंगा। कंप्लीट जानकारी के लिए दोस्तों मेरे साथ बने रहिए वीडियो में और वीडियो को पूरा देखना शुरू से लास्ट तक। चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की टेक्निकल जानकारी पाने के लिए, इलेक्ट्रिकल का और प्लम्बिंग का। प्लम्बिंग की जानकारी दोस्तों मेरे इस चैनल टेक्निकल सोनू टेक पे मिलेगा आपको, और इलेक्ट्रिकल की जानकारी दोस्तों मेरे नए चैनल सोनू ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी वाले पे मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए। दोनों का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो पेज पे पहुंच जाएंगे, वहां पे आपका जो भी सवाल रहेगा क्वेश्चन टाइप करना, उसका रिप्लाई करूंगा मैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये किचन दिखाई दे रहा है, और किचन में देखिए ये मैं पाइप डाल दिया हूँ। ये जो है दोस्तों SWR का PVC पाइप, और इसका जो साइज है दोस्तों वो 75 mm है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे डाला हूँ मैं। यहाँ पे दोस्तों किचन का प्लेटफॉर्म आएगा, ये देखिए यहाँ पे किचन का प्लेटफॉर्म आएगा, तो इसलिए यहाँ पे मैं मल्टी ट्रैप दिया हूँ 110 mm का। और इस मल्टी ट्रैप में 3 आउटलेट है, ये देखिए ये तीनों जो आउटलेट है दोस्तों वो 50 mm का है। देखिए एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है। और इस मल्टी ट्रैप में दोस्तों यहाँ पे इसके ऊपर जब मैं पाइप लगा दूंगा तो ये लॉक हो जाएगा, ये नहीं निकलेगा। ये जो निकल रहा है ये देखिए, ये जो निकल रहा है ठीक है, तो ये लॉक हो जाएगा। उसके बाद पाइप लगाने के बाद दोस्तों ये जो कवर दिखाई दे रहा है इसको खोल लेंगे, ये निकल जाता है। ये देखिए खोलने के बाद इसका साफ़ सफाई कर सकते हैं। साफ़ सफाई करने के बाद इसको वापस लगा देना है। तो अब जो ये तीनों आउटलेट दिखाई दे रहा है दोस्तों 50 mm वाला, उसमें मैं रिड्यूस करके 50x40 का पुश लगा के 40 mm का पाइप यहाँ पे कनेक्ट किया हूँ। ये जो है सिंक का जो वेस्टेज पानी होगा वो दोस्तों इसके अंदर यहाँ पे आएगा इस मल्टी ट्रैप में, उसके बाद यहाँ पे आएगा और नाली में जाएगा। यहाँ पे बॉटल ट्रैप आएगा जो कि सिंक में कनेक्ट होगा। उसके बाद उसी तरह से देखिए इसको भी मैं कनेक्ट किया हूँ, ये मैं बाहर भेजा हूँ। देखिए यहाँ से होल्ड करके पीछे उस साइड वॉश बेसिन आएगा। अब इसको दोस्तों यहाँ पे मैं 45 लगाया हूँ। देखिए एक यहाँ पे है, एक वहाँ पे है, उसके बाद वहाँ पे एक एल्बो है। आप चाहे तो वहाँ भी 45 लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, पानी बिल्कुल आसानी से ड्रेन हो जाएगा इसमें। और उसी तरह से उसमें भी, अभी देखिए यहाँ पे जैसे 2 एल्बो लगाया मैं, तो आगे वहाँ पे 45 लगा दिया हूँ। तो इस तरह से ये फिटिंग किया हूँ मैं किचन का पानी ड्रेन करने के लिए। और इसका जो हाइट होता है दोस्तों, ये देखिए ये फ्लोर दिख रहा है, तो ये फ्लोर से इसको आपको 18 इंच पे रखना है। इसको भी और इसको भी सेम हाइट पे रखा हूँ मैं दोनों को। उसके बाद दोस्तों अब देखिए वहाँ पे मल्टी ट्रैप में मैं एक सॉकेट लगाया और वहाँ पे मैं एक एल्बो लगाया। एक चीज़ ध्यान रखना है फिटिंग करते टाइम, आपको ये जॉइंट जो है इसको उल्टा नहीं रखना है। मेरा पानी यहाँ पे गिरेगा, उसके बाद यहाँ से इस डायरेक्शन में आएगा, इधर बहेगा पानी ठीक है। तो इसलिए देखिए यहाँ पे ये जो पाइप का कपलर है दोस्तों, इसको मैं इस डायरेक्शन में लगाया हूँ ताकि जो है उल्टा ना हो। अगर उल्टा जॉइंट होगा तो कचरा भी फंसेगा और लीकेज भी आ सकता है। हालाँकि ये SWR है, इसमें वाशर होता है, लीकेज नहीं आता है। मैं अभी दिखा दे रहा हूँ SWR पाइप का फिटिंग जो है वाशर उसमें कैसा होता है। अब देखिए ये यहाँ से इस तरह से आ रहा है, अब ये आगे निकल जा रहा है, अब ये जा रहा है बाथरूम में। बाथरूम में चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। उसके बाद दोस्तों अब देखिए मैं बाथरूम में आ गया हूँ, और ये जो है किचन से आ रहा है इसके अंदर ठीक है। देखिए यहाँ से आ रहा है इस तरह से, और यहाँ पे जॉइंट मेरा एक भी उल्टा नहीं है। अभी पानी मेरा इधर से आ रहा है तो सॉकेट को मैं इस डायरेक्शन में लगाया हूँ। अब देखिए ये आगे आ गया, यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट है। ये जो पाइप है दोस्तों देखिए यहाँ पे आया, यहाँ पे मल्टी ट्रैप दिया हूँ मैं। मल्टी ट्रैप उस जगह पे लगाना होता है जब हमें 2-3 जगह से ड्रेन वाटर को इस मल्टी ट्रैप में लाना होता है। यहाँ पे देखिए वॉश बेसिन का पॉइंट दिया हूँ मैं, तो इसलिए यहाँ पे मैं ये पाइप लगाया हूँ पानी को ड्रेन करने के लिए। एक तो ये हो गया, उसके बाद दोस्तों जो वो जो आगे जा रहा है वो भी वॉश बेसिन का ही पानी आएगा। वो देखिए वहाँ भी वॉश बेसिन का पॉइंट है, तो इसलिए यहाँ पे मैं ये पाइप दिया हूँ 40 mm वाला। यहाँ भी बॉटल ट्रैप आएगा, तो पानी जो है यहाँ से ड्रेन होते हुए इसके अंदर आएगा ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जो ये बॉटल ट्रैप लगाया हूँ मैं, और इसको भी दोस्तों उसी तरह से लगाया हूँ। ये जो है दोस्तों 50 mm का तीनों होल होता है, इसका 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 ठीक है। उसके बाद इसको रिड्यूस कर देना है आपको, कभी भी हमेशा 40 mm का ही पाइप लगता है। अगर आपको 50 का लगाना है तो 50 का भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं 40 का लगाया हूँ, तो इसलिए इसमें मैं 50x40 mm का पुश लगा के उसके बाद इसको रिड्यूस किया हूँ। और एक जो ये एक्स्ट्रा बच रहा है, इसमें सॉल्वेंट लगा देना है अगर यूज में नहीं है तो। उसके बाद अब देखिए यहाँ से आगे आ गया, अब देखिए यहाँ पे मैं ये 45 लगा के इस तरह से इसको डिजाइन किया हूँ ठीक है। और यहाँ से स्लोप भी दिया हूँ मैं, स्लोप अभी बताऊँगा कि कैसे कितना देना है। अब देखिए दोस्तों इधर से वो पाइपलाइन किचन से आ गया, और ये जो है दोस्तों डबल वॉश बेसिन का पानी लेके आएगा। मल्टी ट्रैप जो है दोस्तों शावर वाला जो एरिया है, जो भी पानी गिरेगा नहाने धोने के बाद, उसका पानी इसमें आएगा।
तो अभी ये किचन का पानी और इसका पानी लेके यहाँ पे इस तरह से आएगा, किचन वाला यहाँ पे निकल जाएगा इसके रास्ते और ये वाला यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद अभी इधर भी एक पॉइंट है दोस्तों, वो देखिए वहाँ भी मल्टी ट्रैप लगाया हूँ मैं। बाकी इसमें भी तीन होल है तो दो को मैं सॉल्वेंट लगा के बंद कर दिया हूँ हमेशा हमेशा के लिए, और एक को दोस्तों वहाँ पे 45 लगा के इस तरह से यहाँ पे उठा दिया हूँ। यहाँ पे यूरिनल आएगा, ठीक है, तो यूरिनल को ड्रेन करने के लिए यहाँ पे ये लगाया हूँ मैं। जबकि यूरिन जो होता है दोस्तों उसको जो टॉयलेट वाला टैंक होता है उसके अंदर उतारना चाहिए, लेकिन मैंने बोला था क्लाइंट को तो क्लाइंट ने कहा कि नहीं मुझे इस पानी में ही उतारना है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर दिया हूँ। और ये मल्टी ट्रैप है तो इसमें स्मेल भी नहीं करेगा, चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों यूरिन को कभी भी हमेशा जो है जो टॉयलेट का टैंक होता है उसके अंदर ही उतारना चाहिए। तो अब ये इस तरह से यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको दो पाइप को यहाँ इस तरह लाना है तो आपको वाई देना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला पानी इधर सीधा निकल जाएगा और इसका जो पानी आ रहा है किचन वाला ये भी यहाँ से सीधा निकल जाएगा, फिर ये वाला जो है ये भी सीधा निकल जाएगा। अब ये जो पाइप है दोस्तों ये चला गया है सीधा बाहर नाली में। उसके बाद दोस्तों आप चलिए मैं आपको यहाँ पे इंडियन सादा सीट का पॉइंट बनाना सिखाता हूँ। सबसे पहले ऊपर देखिए, देखिए वहाँ पे दो पाइप दिख रहा है, एक जो है दोस्तों 4 इंच का है वो लाइटिंग वाला पाइप है और एक जो है दोस्तों ये 75 mm का पाइप है यानी 75 mm का, तो ये जो है ड्रेन वाटर वाला है। ये सीवर पाइपलाइन वाला हो गया 4 इंच वाला और ये ड्रेनेज पाइपलाइन वाला हो गया। ये ऊपर के लिए मैं दिया हूँ लाइटिंग का और पानी का। उसके बाद अब ये नीचे आ जाइए, देखिए नीचे जो है दोस्तों ये 4 इंच वाला मैं नीचे से घुमा के लिया हूँ इधर। उसके बाद ये जो ड्रेनेज वाला है इसको भी मैं अभी ऊपर से यहाँ से होल करके नीचे पहुँचाऊंगा। और इसका जो साइज होता है दोस्तों साइड वाले दीवार से पीछे वाले दीवार से आपको कितना रखना है चलिए मैं मेजर करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों ये पीछे वाला दीवार दिखाई दे रहा है और ये पाइप को मैं नीचे से घुमाया हूँ, नीचे से इसलिए घुमाया हूँ ताकि जो है दोस्तों सीट को फिक्स करने में फर्श कम से कम उठे, ठीक है। चलिए पीछे वाले दीवार से ये देखिए मेरा जो आ रहा है दोस्तों इसको मैं 8 इंच रखा हूँ अभी। आप जो है दोस्तों इसको 8 इंच से लेके 10 इंच तक रख सकते हैं, 10 से ऊपर नहीं रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब चलिए साइड वाले से मैं मेजर करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए ये साइड वाला दीवार दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये साइड वाला दीवार है, यहाँ से मेजर करते हैं। ये देखिए साइड वाले दीवार से दोस्तों ये 20 इंच आ रहा है इसका पाइप का सेंटर, ठीक है। ये देखिए साइड वाले दीवार से ये 20 इंच आ रहा है इसका सेंटर और पीछे वाले दीवार से 8 इंच आया है। तो इंडियन सादा सीट का पॉइंट या फिर चाहे कमोड का पॉइंट, कभी भी आपको साइड वाले दीवार से कम 20 इंच और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 24 इंच तक रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। और ये पीछे वाले दीवार से 8 से 10 इंच बस इतना ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। अब चलिए दोस्तों मैं आपको SWR पाइप फिटिंग दिखा देता हूँ, उसमें वाशर कैसे होता है और कैसे पुश किया जाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये SWR का टी दिखाई दे रहा है ये वाला और यहाँ पर एक एल्बो है मेरे हाथ में, ठीक है, और इसमें देखिए वाशर होता है। यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर का वाशर दिखाई दे रहा है, ये जो टी दिखाई दे रहा है, और उसी तरह से एल्बो में भी है। ये देखिए ये ब्लैक कलर का वाशर है, तो इसको जब आप फिट कर देते हैं तो इसमें लीकेज का कोई चांस नहीं रहता है। बस इसमें क्या करना है आपको, पाइप को कट करना है। अभी देखिए जैसे एल्बो में ये जो कंपनी बनाई है इसको हल्का सा मोल्डिंग की है, तो आपको इसको मोल्डिंग कर लेना है ग्राइंडर मशीन से या फिर वो जो फाइल होता है फाइल से। उसके बाद इसके ऊपर हल्का सा लुब्रिकेंट या फिर कोई ऑयल लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से ये पुश हो जाता है। लेकिन चलिए मैं आपको इसको बिना लुब्रिकेंट के ही आसानी से पुश करके दिखाता हूँ। ये देखिए इसको ऐसा लिया और इसको बिल्कुल सीधा रखेंगे, उसके बाद इसको पुश कर देंगे। देखिए पुश हो गया। सबसे अच्छी खास बात यह है इसको किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, ये देखिए घूम रहा है, फिटिंग करने के बाद भी इसको घुमा सकते हैं। इस तरह से दोस्तों पूरा पाइप फिटिंग हो गया है, ये ड्रेनेज वाटर वाला और सीवर पाइपलाइन वाला। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसमें स्लोप कितना देना है। देखिए दोस्तों ये ड्रेनेज वाला पाइपलाइन है तो इसमें आपको 10 फीट में कम से कम 1 इंच का स्लोप देना है और मैक्सिमम आप 2 इंच दे सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं देंगे। अगर इसमें बहुत ज़्यादा स्लोप देंगे तो पानी सीधा निकल जाएगा और उसके साथ जो कचड़ा होता है वो बीच में रुक जाता है पाइप में, ठीक है, तो इसलिए स्लोप को बहुत हिसाब से दिया जाता है ताकि जो है फ्यूचर में दिक्कत ना आए। अब ये आ गया इधर बाथरूम वाला एरिया है, यहाँ पे वॉश बेसिन आएगा और यहाँ से ड्रेनेज आउटलेट हो रहा है। तो दोस्तों SWR PVC पाइप से ड्रेनेज पाइप फिटिंग का और सीवर पाइपलाइन फिटिंग का वीडियो पूरा हुआ। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो मैं बताया हूँ सब कुछ समझ में आया होगा। समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ हो या फिर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई करूंगा मैं। और दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप लोग मुझे मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, दोनों का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप वहां पे क्लिक करेंगे तो पेज पे पहुंच जाएंगे, वहां पे आपका जो भी सवाल रहेगा
क्वेश्चन को टाइप करना, उसका रिप्लाई करूंगा मैं। और दोस्तों चैनल पे पहली बार आए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन मिले आपको और आपसे कोई भी जानकारी मिस ना होने पाए। तो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा किसी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।